ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राधाकृष्ण राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल चौहान की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। गत माह भी आयोजित की गई एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उन पर भी संरक्षण की गई और निर्णय के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षणिक खंडों, अस्पतालों तथा हॉस्टल में विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग से संबंधित साइन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल चौहान की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई, जिसमें कमेटी के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। गत माह आयोजित की गई एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सभी प्रशासनिक तथा शैक्षिक खंडों, अस्पताल तथा हॉस्टलों में विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग से संबंधित साइनेज स्थापित कर लिए गए हैं तथा इन साइनेज बोर्डों पर एंटी रैगिंग अधिनियम से संबंधित प्रावधान, हिदायतें तथा संपर्क सूचनाएं प्रकाशित कर दी गई हैं। कॉलेज में प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के MBBS छात्रों से उनके माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त एंटी रैगिंग शपथ पत्र लेना सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर प्रथम वर्ष के MBBS छात्र छात्राओं के हॉस्टलों में एंटी रैगिंग अधिनियम के प्रावधानों को लेकर साइनेज तथा सायरन इत्यादि की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 24 घंटे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हर माह एंटी रैगिंग दस्तों का गठन सुनिश्चित किया जाए। सत्र के शुरू के महीनों में मेडिकल कॉलेज, अस्पताल तथा छात्रावास परिसर में नियमित रूप से पुलिस गश्त लगाई जाए। मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, हॉस्टल तथा जरूरत के अनुसार अन्य स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित कर लिए गए हैं। तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को कोई भी विभाग 112 नंबर पर किसी भी समय जानकारी दे सकता है। एंटी रैगिंग कमेटी की अगली मासिक बैठक 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि हॉस्टल में कार्यरत स्टाफ तथा वर्कर्स का नियमित रूप से मेडिकल चेकअप किया जाएगा। पुलिस तथा MC से उनके पहचान पत्र की पुष्टि तथा सत्यापन को भी अनिवार्य बनाया गया है। प्रथम वर्ष MBBS छात्रों को साइकोलॉजिस्ट द्वारा जागरूक किया जाएगा। मानसिक आधार पर एंटी रैगिंग दस्तों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त PTA, CSA तथा मैट्रिंग सेल गठित करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक राकेश शर्मा, एंटी रैगिंग कमेटी की सदस्य सचिव डॉक्टर प्रियंका डांगरी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा, डॉक्टर राम स्वरूप, डॉक्टर मिनी शर्मा, अरुण कतना, जगमोहन तथा अधिवक्ता नील कमल के अतिरिक्त कमेटी के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।